सो हेलो एंड व्हाट्सअप रॉयल फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल व्हील्स. विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स. आई विश एंड आई प्रे कि आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स थे 2021 में वो सारे अब खत्म हो जाए एंड यू अचीव ऑल द अचीवमेंट्स दैट यू विश्ड इन 2021 वो आपके 2022 में पूरे हो जाए. आज मैंने आपके लिए लाया है ब्रांड न्यू 2022 सुजुकी बर्बैंक स्ट्रीट ब्लूटूथ एडिशन का डिटेल राइड रिव्यू वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक राइड इंप्रेशंस दिखाया है ऑफ द न्यू बर्बैंक स्ट्रीट. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल रॉयल व्हील्स को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बेसिक स्पेक्स ऑफ द स्कूटर, तो इसमें आपको एक 124 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है, जो है BS6 कॉम्प्लायंट एयर कूल्ड मोटर, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8.7 PS एट द रेट 6750 RPM एंड मैक्स टॉर्क आपको दे देता है 10 न्यूटन मीटर टॉर्क एट द रेट 5050 RPM. तो इसमें आपको CVT मैनुअल CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो आता है बोथ किक एंड सेल्फ स्टार्ट के साथ. तो चलिए अब राइड को स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हमेशा आपको याद रखें, स्कूटी चलाने से पहले हमेशा रियर ब्रेक अप्लाई करके तभी आप स्टार्ट कीजिएगा. सो द इंजन रियली वेरी स्मूथ, फील्स वेरी वेरी स्मूथ. यहाँ पर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलते, थोड़ा बहुत मैकेनिकल आपको वाइब्रेशंस मिलेगा जो एक नॉर्मल है फॉर अ स्कूटर. तो आपको बहुत ज़्यादा कोई भी फाइबर नॉइस टाइप नहीं मिलता, जो इस गाड़ी के प्रीमियमनेस को दिखाता है. तो चलिए अब हम लोग राइड को स्टार्ट करते हैं. तो द इनिशियल पंच ऑफ द स्कूटर वॉज वेरी वेरी नाइस. आपको इसमें बहुत ही अच्छा एक पावर मिल जाएगा, क्योंकि 125 सीसी का स्कूटर है, तो आपको इसमें यूजुअल एक अच्छा पावर डिलीवरी आपको मिलेगा ही मिलेगा. बेस्ट फीचर इस गाड़ी के एक मेरे को लगा कि इसमें को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, जिसके वजह से ये एक मैक्सी स्कूटर डिज़ाइन में है. तो आप इस गाड़ी को अगर आप ट्रिप्स में भी ले जाना चाहे तो आप इसको बहुत ज़्यादा आप कन्वीनियंट वे में ट्रिप्स में भी ले जा सकते हैं. यहाँ पर आपको अलग से कोई भी मोबाइल होल्डर आप नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें आपको चार्जिंग के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड आपको बार बार फोन अपना मोबाइल निकाल के नोटिफिकेशन चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारा आपका नोटिफिकेशन सब डिस्प्ले हो जाते हैं. यहाँ पर मैं आपको फोटो भी दिखा दूँगा एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में वीडियो के बीच में बता दूंगा. 2022 बर्बैंक में आपको एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है. यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, जैसे आप अपने वीडियो में देख सकते हैं. यहाँ पर आपको एक स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, डुअल ट्रिप मीटर, टाइमर, टेम्परेचर गेज एंड बैटरी वोल्टेज का ऑप्शन मिल जाता है. यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है, जिसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपको ब्लूटूथ पेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप अपने सुजुकी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बहुत 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 ही ज़्यादा फीचर लोडेड है, जो वर्थ है इस प्राइस पॉइंट पे. राइड क्वालिटी इस गाड़ी का मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. आपको जो सीट कुशनिंग्स मिल जाते हैं एंड जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इस गाड़ी को रखते हैं. आपको बहुत ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन सेटअप एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो राइड क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है. आप इसके थोड़े कॉर्नर्स में ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टेबल ये गाड़ी टर्न लेगा. मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार. और इसके साथ इसमें आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको फ्रंट में 12 इंच के रिंग के साथ 90x90R 12 सेक्शन का टायर मिल जाता है एंड रियर में आपको 10 इंच रिंग के साथ R 90x100R 10 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जिसके वजह से इसका जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग है. ब्रेक्स ऑल्सो रियली रियली फील्स वेरी वेरी गुड.
हाँ एक बात है, इसमें ABS सबको नहीं मिलता है, बट स्टिल फीडबैक फ्रॉम दी ब्रेक्स आर वेरी वेरी गुड। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क सेटअप मिल जाता है जो इसके ब्रेकिंग फीडबैक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। सो हियर इज अ बैड पैच ऑफ रोड, और यहाँ पर आप सस्पेंशन इसके वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। इसमें जब तक आप इस गाड़ी का टेस्ट राइड नहीं लेंगे तो मैं हमेशा को रिकमेंड करूँगा गाड़ी खरीदने से पहले एक बार आप टेस्ट राइड जरूर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितने स्मूथली इस गाड़ी को मनूवर कर पा रहा हूँ, एंड कोई भी बैड पैच ऑफ रोड को ये एकदम स्मूथली टैकल भी कर पा रहा है। तो आप इस गाड़ी को अगर अपने टूरिंग के लिए भी यूज़ करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस गाड़ी को ड्राइव करने में, क्योंकि राइडिंग एर्गोनॉमिक्स इसका काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। यहाँ पर आपको जो लेग रूम मिल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है, तो आप इस पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। या द सस्पेंशन फील्स रियली स्मूथ। डेली कम्यूट्स में ये स्कूटर यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा एक स्कूटर चॉइस है। 125 सीसी का इंजन है, एंड आपको जो पावर डिलीवरी भी मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है एंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है। थर्ड रिस्पॉन्स ऑल्सो फील्स वेरी वेरी नाइस, एंड द फीडबैक ऑफ द सस्पेंशन एंड द ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। माइलेज इस गाड़ी में आपको आराम से कस्टमर रिव्यूज जितना आपको शोरूम से इंफॉर्मेशन मिलता है आराम से आपको 50-55 km/h का माइलेज मिल जाता है। सो रियली साउंड्स वेरी नाइस, क्योंकि एक 125 सीसी का स्कूटर इंजन होने के बावजूद भी इतना अच्छा माइलेज फिगर्स मिलना इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, ब्रेक्स फील्स रियली रियली नाइस। वन मोर थिंग, इस गाड़ी का मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ इज द अमाउंट ऑफ वर्सटिलिटी दिस व्हीकल हैज, क्योंकि इट्स अ गुड कम्यूटर स्कूटर, इट्स अ गुड टूरिस्ट स्कूटर, एंड ऑल्सो आप इसको थोड़ा शॉर्ट राइड्स पे भी ले जाना चाहे आपका अगर कोई स्कूटर ग्रुप हो या फिर आपको कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप हो जहाँ पर थोड़ा राइड्स पे जाना चाहते हैं। अ वेरी वेरी वर्सटाइल नेचर ऑफ स्कूटर्स। तो बर्गमैन ऑलरेडी 750 सीसी का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वेरियंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्सटाइल स्कूटर है, एंड नो डाउट बर्गमैन स्ट्रीट 125 इज़ अ सेम नेचर। So that's all for the detailed ride review video of the new 2022 Bergman Street Bluetooth Edition.
होप है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल रॉयल व्हील्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।